एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज द यूट्यूब। आपका स्वागत है मेरे आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में मैं लेकर आया हूँ एक और न्यू के ऑपरेशन ट्यूटोरियल, जो कि होने वाला है, उसे ऑर्गेनाइज किया गया है SM एंटरटेनमेंट के द्वारा, जिसका नाम है SM4 कट ऑडिशन। इस SM4 कट ऑडिशन से रिलेटेड सभी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि उसका ऑडिशन का पीरियड, ऑडिशन की क्वालिफिकेशंस, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इसके लिए गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या फाइल्स हैं जो आपको अटैच करनी होगी, और क्या प्रोसीजर रखा गया है, और साथ साथ क्या रिवार्ड्स और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इस ऑडिशन को पास कर लेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टैप कर दीजिए बेल आइकन पर, ताकि जब मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको पता चल जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे ऑडिशन बना रहता है, और साथ ही मेरे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में मदद कीजिए। ये ऑडिशन को पास करने में कुछ टिप्स एंड एडवाइसेस की जरूरत है तो ज्वाइन मेंबरशिप में अपने यूट्यूब चैनल जेडीयू पर आपको के ऑडिशन के एडवाइसेस और टिप्स और के ऑडिशन की ट्यूटोरियल्स देती हूँ। आई होप आप मेंबरशिप को ज्वाइन करें। ये मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफी इंस्टेंट एक्सेसेस मिलेंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपको के ऑडिशन को पास करने में, ताकि आपका के आइडल बनने का सपना पूरा हो सके। कुछ मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि लॉयल्टी बेजेस, इमोजीज एंड पर्क्स, मेंबर ओनली चैट रूम्स। यहाँ पर सिर्फ जो मेंबर्स होंगे, जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक अलग से चैट रूम बनाया जाएगा, जहाँ पे सभी आप लोग बात कर सकते हैं और अपनी वरीज को सॉल्व कर सकते हैं कंसल्ट करके। मेंबर ओनली लाइव चैट्स, जितने भी मेंबर्स होंगे जिनके पास मेंबरशिप होगी, उनके लिए एक लाइव चैट में ऑर्गेनाइज करूंगी कुछ टाइम में, ताकि वो लोग अपने से बात कर सकें, सभी आप केवल फ्रेंड्स हो सकें और अपनी जो बातें हैं अपने एक दूसरे से शेयर कर सकें। पर्सनल चैट्स, इसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं अपनी वरीज और अपनी जो भी आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी ऑडिशन से रिलेटेड, ऑडिशन वीडियो से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ साथ वीकली और मंथली इवैल्यूएशन सेशंस, आपके ऑडिशन वीडियो और आपके ऑडिशन के डांस, सिंगिंग और फोटोज, उनके आप मुझे सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इवैल्यूएशन कर सकूं, बता सकूं कि वो जो आपने फोटोज और वीडियोस बनाई हैं वो आपके जो ऑडिशन में अप्लाई करने के लायक है या नहीं है। अर्ली एक्सेस टू वीडियोस, जो मैं वीडियोस डालती हूं उस पर आपको अर्ली एक्सेस मिल सके, ताकि आप जल्द से अप्लाई कर सके, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो ऑडिशन होते हैं उनकी जो है जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 48 आवर्स का। आपको जल्द से अप्लाई करना होता है, क्योंकि आजकल सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, इसलिए आपको जल्दी से पता चल सके कि किसका ऑडिशन हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो आपको मिल सकती है एक्सेस इस पर भी। और साथ ही प्रायोरिटी टू कमेंट्स, क्योंकि जो भी ऑडिशन होते हैं वो ग्लोबल लेवल पे होते हैं, तो सभी लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा नंबर पे आते हैं, इसलिए मैं सिर्फ कुछ को ही रिप्लाई कर पाती हूँ, कुछ को नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ। इसलिए अगर आपके मेंबरशिप होगी तो आपके जो कमेंट्स हैं उनको मैं प्रायोरिटी दूंगी और उन्हें सबसे पहले रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आप लोगों की मेंबरशिप को ज्वाइन करने से जो सपोर्ट मुझे मिलेगा, ना कि सिर्फ आप बेनिफिट्स को रिसीव करेंगे, बट आप मेरी भी मदद करेंगे, ताकि ऐसे ही मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करती रहूं और आपके केप ऑडिशन का पास करने में और आपके केप आइडल बनने का सपना पूरा होने में एक जरिया बन सकूं। सो ज्वाइन द मेंबरशिप नाउ। चलिए चलते हैं हम SM एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर। चलिए सबसे पहले अपना इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च में लिखिए SM या फिर SM ऑडिशन। जैसे आप ऐसा लिखेंगे तो आपके सामने कुछ सर्चेज ओपन हो जाएंगी, इसमें से आपको देखिए क्लिक करना होगा SM ऑडिशन ऑफिशियल पर। ये जो है SM एंटरटेनमेंट की ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ी देर में ओपन हो जाएगा SM एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट। तो देखिए आपके सामने ओपन हो चुका है SM एंटरटेनमेंट का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल अकाउंट। SM एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप जाकर उसे क्लिक करके ताकि उनके डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट में पहुंच जाएं। और साथ ही आपको यहाँ पर जो फॉलो का बटन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ऑलरेडी फॉलोइंग दिख रहा है, इसका मतलब ये कि मैं इन्हें ऑलरेडी फॉलो कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आने वाले अपकमिंग के ऑपरेशन के अपडेट्स जो कि SM एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है वो आपको मिल सकें। और देखिए आप जैसे इसको पेज को स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी डिटेल्स दी हुई हैं SM4 कट ऑडिशन से रिलेटेड। तो देखिए इसका ट्यूटोरियल, आप जब इसका अकाउंट खोलेंगे तो उसका ट्यूटोरियल देख लीजिएगा जो वीडियो बनाई है उन्होंने, ताकि आप जो है इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकें। और ये जो पोस्ट उन्होंने डाली है देखिए SM4 कट ऑडिशन से रिलेटेड, यहाँ पर देखिए हम शो कर लेते हैं, और फिर देखिए दो इमेजेस दी हुई हैं, दूसरी इमेज भी दी हुई है, पर देखिए यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है जिसे आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको वन बाय वन सभी चीज़ें समझाते जाती हूँ कि क्या चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करना है, कब तक करना है और कैसे करना है, और क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप इसके ऑडिशन को पास कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडिशन क्वालिफिकेशंस फॉर SM4 कट ऑडिशन शो योरसेल्फ के बारे में। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एनीवन हु वांट्स टू अप्लाई फॉर SM ऑडिशन, यानी कि यहाँ पर उन्होंने इस बार कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि आपकी इतनी एज होनी चाहिए, या सिर्फ गर्ल्स या बॉयज ही कर सकते हैं, या फिर इस कंट्री के ही कर सकते हैं, इस बार कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी गई है। यानी कि
जिसको भी स्केयर पोर्शन पार्टिसिपेट करना है वो स्केयर पोर्शन के लिए अप्लाई कर सकता है, यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों स्केयर पोर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप किसी भी कंट्री के हो आप स्केयर पोर्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि आपकी कितनी भी एज हो, आप कितने भी साल में आपका बर्थ हुआ हो, आप स्केयर ऑडिशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑडिशन पीरियड फॉर SM फॉरकट ऑडिशन शो योरसेल्फ के बारे में। तो देखिए, स्केयर पोर्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो ऑडिशन का पीरियड रखा गया है, यानी कि आप कब तक कर सकते हैं, वो है 8th of September 2022 से लेकर 30th of September 2022 तक। यानी कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना है वो शुरू हो चुके हैं 8 सितंबर से ही, और इसको जब भरने की जो लास्ट डेट है वो है 30th of September। यानी कि आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, वरना आपको टाइमिंग का इशू आ सकता है KST और IST के अकॉर्डिंग, कोरियन स्टैंडर्ड टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए। इसीलिए आप 30 सितंबर का वेट मत कीजिएगा, और उसके पहले ही आप इसके अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। याद रखिएगा, इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30th of September। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर SM फॉरकट ऑडिशन शो योरसेल्फ के बारे में। तो देखिए, इस के ऑडिशन में आप किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए, इस के ऑडिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ दो राउंड रखे गए हैं। पहला राउंड जो होगा ऑनलाइन होगा, और दूसरा राउंड जो होगा वो ऑफलाइन प्राइवेट ऑडिशन होगा। और अगर आप सेकंड राउंड भी पास कर लेते हैं तो आपको SM एंटरटेनमेंट से एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट और रिवॉर्ड मिलने वाला है, जो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताने वाली हूँ। तो बस आप ध्यान से पूरी वीडियो को सुनिएगा। पहला राउंड जो होगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको SM फॉरकट ऑडिशन फ्रेम शूटिंग करनी है। जैसे कि इसमें अप्लाई करने के लिए पहले आपको कुछ फ़ोटो शूट करने होंगे, यानी कि कुछ फ़ोटो खिंचवाने होंगे, कुछ फ़ोटो आपको खींचने होंगे। चार कट होंगे, यानी कि चार तरह के आपको अलग अलग फ़ोटो खींचने होंगे इसके पोर्शन में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, देखिए, QR कोड रिकग्निशन, यानी कि इसके बाद आपको QR कोड के थ्रू अप्लाई करना होगा। और उसके बाद होगा फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। उस QR कोड को रिकॉग्नाइज करके, उसको स्कैन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, और फिर उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद फिर आपका होगा सेकंड राउंड ऑफलाइन प्राइवेट ऑडिशन। अगर आप फर्स्ट राउंड पास कर लेते हैं तो आपको सेकंड राउंड के लिए कॉन्टैक्ट किया जाएगा। खुद SM एंटरटेनमेंट के जो रुकी डेवलपमेंट टीम है और उनके जो इसके रिगार्डिंग टीम है, उसको जो है आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। वही डिटेल्स जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है, उसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, अगर आपने पहला ऑडिशन पास कर लिया होगा तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवॉर्ड फॉर पासिंग द SM फॉरकट ऑडिशन शो योरसेल्फ के बारे में। तो देखिए, अगर आप इस स्केयर ऑडिशन को पास कर लेते हैं, अगर आप पहला राउंड और दूसरा राउंड दोनों ही पास कर लेते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी SM एंटरटेनमेंट का ट्रेनी बनने की। यानी कि इस दो राउंड को पास करते हैं सीधा SM एंटरटेनमेंट के ट्रेनी बन जाएंगे, और फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। वो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन नहीं बताया गया है कितने दिन समय तक आपकी ट्रेनिंग होगी, बट उस ट्रेनिंग के बाद आपको सीधे डेब्यू करा दिया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ दो राउंड के अंदर अंदर ही आप जो है SM एंटरटेनमेंट के ट्रेनिंग बन सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू क्लिक फोटोज फॉर SM फॉरकट ऑडिशन शो योरसेल्फ के बारे में। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपको आपके फोटोज को क्लिक करना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि SM फॉरकट ऑडिशन के लिए वो सपोर्ट कर रहे हैं चार कट्स, यानी कि आपको इस अप्लाई करने के लिए चार तरह के फोटो जो है इसमें सेंड करने होंगे। कैसे, टेक गाइडेंस विद दिस फोटोज। उन्होंने जो है इंस्टाग्राम के ऑफिशियल अकाउंट पर उन्होंने एक SM फॉरकट ऑडिशन का ट्यूटोरियल डाला है, उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से आपको फोटो खिंचवाना है और कहाँ पे फोटो खिंचवाना है। इफ़ यू चेक द ट्यूटोरियल वीडियो इन एडवांस एंड शूट इट, यू कैन ऑडिशन पास रेट। यानी कि अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है आपके ऑडिशन के पास करने के चांसेस बढ़ जाएं। अब देखिए, मैं आपको उसके वीडियो तो नहीं शो कर पाऊंगी, अदरवाइज मेरे ऊपर जो है वो आ जाएगा क्या कहते हैं कॉपीराइट। इसीलिए आपको सिर्फ फोटोज़ को शॉर्ट में बता देती हूँ, तो आप उसे देख के समझ जाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी एक फुल फोटो खिंचवानी होगी, यानी कि सर से लेकर पूरा पैर तक, और थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रहना चाहिए, और कोशिश कीजिएगा आपका बैकग्राउंड वाइट ही रहना चाहिए। अब देखिए, इसके फोटो के दो साइड दिख रहे हैं आपको, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। जो राइट साइड दिया हुआ है इस तरह से आपको फोटो नहीं खिंचवाना है, और जो लेफ्ट साइड दिया हुआ है इस तरह से आपको फोटो खिंचवाना है, जिसमें आपका पूरा ऊपर से लेकर सर से लेकर पैर तक पूरा दिखना चाहिए। ऐसे आपको अलग से कोई साइड पोज नहीं बनाना है, एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है आपको, और स्ट्राइटली कोई सा भी सिंपल सा पोज बना लीजिएगा। एक फ़ोटो ये हो चुका है, तो एक कट हो चुका है आपका। सेकंड कट आपको ऐसा खिंचवाना है, देखिए इस तरीके से, ये आपका हाफ बॉडी शॉट है, यानी कि आपके सर से लेकर आपकी कमर तक का पोर्शन उस फोटो में दिखे। बट आपको ऐसा फोटो खींचना है कि आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि आपका चेहरा ढक जाए उस पोज में। अब देखिए, इसमें इन्होंने जो पोज बनाया है ये नायन है,
और ये उन्होंने जो पोज बनाया है उसमें देखो एक साइड पोज बनाया है हार्ट का, बट एक जो राइट साइड है फोटो उसमें देखिए उन्होंने हाथ पे चेहरे पे हाथ रख दिया है तो उनका फेस छुप रहा है। तो आपको ऐसा फोटो नहीं खींचना है, ये राइट साइड में जैसा फोटो है वो खींचना नहीं है आपको, आपको जो लेफ्ट साइड में फोटो खींचा हुआ है इस तरह से आपको फोटो क्लिक करवाना है। थोड़ा बहुत आप पोज चेंज कर सकते हैं, एक्जैक्टली ऐसा ही नहीं बनाना है, चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, बट अगर आपको कोई दूसरा पोज आता है तो ठीक है, बट याद रखिएगा उसमें आपका चेहरा नहीं छुपना चाहिए। ये हो गया आपका सेकंड कट। तीसरे कट की हम बात कर लेते हैं। अब देखिए जो तीसरा कट है ये भी हाफ बॉडी शॉट ही है, बट उन्होंने हाफ बॉडी शॉट में साइड प्रोफाइल डाली है, यानी कि साइड से आपका चेहरा कैसा दिखता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद को सोचना है कि आपकी लेफ्ट साइड की प्रोफाइल अच्छी है कि राइट साइड की प्रोफाइल अच्छी है, आप किस साइड से ज़्यादा बेटर दिखते हैं उस साइड से आपको फोटो खिंचवाना है। अब देखिए इसमें देखो राइट साइड पर जो फोटो खींचा गया है उसमें उस लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है उस पोज की वजह से, तो आपको इस तरह से फोटो नहीं खिंचवाना है, बल्कि जो लेफ्ट साइड में जिस तरह से पोज बनाया है उस लड़की ने उस तरह से आपको फोटो खिंचवाना है। तो इस तरह से आपका तीसरा कट भी हो जाएगा और ये होगी आपकी साइड प्रोफाइल। इसी तरह से आपको एक और सिंपल पोज में फोटो और खिंचवा लेना है और इस तरह से आपके पूरे चार फोटो हो जाएंगे। यही हो गया आपके SM के 4 कट ऑडिशन के लिए चार फोटोज तैयार। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि ओवरऑल जब आपका फोटो खिंचाएंगे तो वो किस तरह से दिखने वाला है। अगर मैं बॉयज़ का बताऊँ तो देखिए बॉयज़ के ऐसे चार पोज होंगे, एक फुल बॉडी शॉट और फिर बाकी के तीनों हाफ बॉडी शॉट होंगे, बट एक साइड प्रोफाइल होगा, एक फ्रंट से दूसरा पोज और फिर एक फ्रंट से ही आप दूसरी तरीके का पोज बना लेंगे। बट अगर गर्ल्स की बात की जाए तो गर्ल्स में भी कैसा रहेगा, एक फुल बॉडी शॉट और फिर बाकी के तीन हाफ शॉट रहेंगे, बट एक साइड प्रोफाइल रहेगा और बाकी के दो आप किस तरह से पोज बना सकते हैं। बट याद रखना है आपको कि आपका फेस किसी में भी ढकना नहीं चाहिए, बस इस तरह से आपको कोई फोटो खिंचवाना है वो आपका फोटो इस तरह से दिखने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वेयर टू क्लिक फोटोज फॉर SM 4 कट ऑडिशन शो योर सेल्फ के बारे में। तो देखिए इस कैप ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको अपने फ़ोन से फोटो नहीं खींचना है, बल्कि आपको जाना होगा बॉडी बूथ पर, फोटो ड्रिंक की बॉडी बूथ पर जाना है उनके स्टोर्स पर और जाके इस तरीके का फ्रेम में एक फ़ोटो खिंचवाना है। इस तरह के चार पोज आपको देने होंगे, तो ये चार पोज आप जब उन्हें देंगे तो वो उसको जोड़ कर एक फ्रेम बना के देंगे जो आपको मैंने इसके पहले दिखाई थी, उस तरह की फ्रेम जो कि होगी फोटो ड्रिंक स्टोर की जो होगी वो उस तरह से फोटो आपको खींच के देते हैं। तो नेशन वाइड यानी कि हर जगह है इसकी फ़ोटो बूथ अवेलेबल है, इसका आपको सर्च करना होगा कि कहाँ पे आपको फ़ोटो बूथ मिल जाएंगी, उस पर जाकर आपको फ़ोटो खिंचवाना है और यही फ़ोटो क्लिक कर आपको जो है इसको जो है अप्लीकेशन फॉर्म में जो है ऐड करना होगा और उन्हें सेंड करना होगा ताकि उसके अफोर्ड्स में आप अप्लाई कर सकें। होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस वेल एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई मेक मोर अपडेट्स रिलेटेड टू BTS, K-pop, के अफोर्ड्स ट्यूटोरियल्स, के अफोर्ड्स टिप्स, लाइफ ऑफ K-pop ट्रेनी एंड आइडल एंड कोर एंटरटेनमेंट वीडियोस लाइक दिस। यू कैन चेक आउट माय प्लेलिस्ट ऑफ K-pop ट्यूटोरियल्स एंड 24/7 ऑलवेज ओपन ऑनगोइंग ऑडिशंस एंड ट्राई आउट एज मेनी ऑडिशंस एज यू कैन। And those who have queries related to this video, ask me in my comment box. If you liked what you see, then make sure to click the subscription button and it will help me to grow. Also encourage me to make more updates related to BTS, K-pop, K-pop tutorials, K-pop tips, life of K-pop trainee and idol and Korean entertainment videos like this in the future. And also help me to complete 5,000 subscribers soon. Love you all. Stay safe. See you guys in my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe to my channel, JTube. Bye bye. Did anybody out there hear me?